हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुक शो। मकर संक्रांति नज़दीक है और बादाम की चिक्की बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को पसंद आती है, तो मैं आज इसी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बादाम की चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें बादाम को रोस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई को चढ़ा रखा है। कढ़ाई जब हल्का सा हीट हो जाए तब गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें हम बादाम डालेंगे। ये मैंने छोटे वाले कच्चे बादाम लिए हैं। हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है, घी या तेल का यूज़ नहीं करना है, और मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे ताकि बादाम जले ना और अंदर तक अच्छे से रोस्ट हो जाए, ताकि इसका जो छिलका है वो आसानी से निकल जाए। तो हमें 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे चलाते हुए रोस्ट करना है। इसे हम कंटिन्यू हर 15 से 20 सेकंड पे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा अगर इसे हम छोड़ देंगे तो। 5 से 7 मिनट हो गए, देख सकते हैं कि बादाम का जो कलर है वो चेंज हो गया है और ये अच्छे से रोस्ट भी हो गया है। तो हम गैस के फ्लेम को यहाँ ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरीके से सबसे पहले ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे बादाम हमारा ठंडा हो गया है, मैंने इसे एक बड़े से प्लेट में निकाल लिया है। अब हम हाथों की सहायता से रगड़ते हुए अच्छे से बादाम के छिलके को निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे बादाम के छिलके को निकाल लिया है। देखिए कितने अच्छे तरीके से सारा छिलका निकल गया है। अब हमें गुड़ की चाशनी बनानी है, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़, यानी कि जैगरी। ये मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है। आप जितना बादाम ले उससे डबल आप इसमें गुड़ का यूज़ करें। और इसमें डालेंगे हम 1/2 गिलास पानी। और सबसे पहले पानी में हम गुड़ को मेल्ट होने देंगे। यहाँ पे गैस के फ्लेम को अभी हम हाई रखेंगे। जब गुड़ हमारा पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा तब हम गैस के फ्लेम को मीडियम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी जैगरी है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। तो हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसकी एक चाशनी बनाएंगे जो कि बिल्कुल एक तार वाली होनी चाहिए। तो मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाएंगे। इस चाशनी को बनने में हमारा 5 मिनट तो ज़रूर लगेगा। तो अब आप फ्लेम को हाई ना रखें, नहीं तो जो जैगरी है वो जल जाएगी। तो गैस के फ्लेम को मीडियम रख कर ही हम इसे धीरे धीरे कुक करेंगे ताकि इसमें सोंधापन भी आए। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे तरीके से जो हमारा ये जो सिरप बन रहा है, बस इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे हम इसे चलाएंगे और थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। और जब तक एक तार वाली हमारी चाशनी नहीं बन जाती इसे हमें पकाना है। 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि जो सिरप की क्वांटिटी है वो भी कम हो गई है। जो भी इसमें पानी था वो सारा एब्जॉर्ब हो गया है। और जो हमारी चाशनी है उसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हाथों में हल्का हल्का चिपक रहा है, लेकिन थोड़ा सा और कुक होगा ये, तो हम इससे थोड़ा सा और पकाते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। चलिए फिर से हम इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो चाशनी है उसमें एक तार बनने लगी है, यानी कि ये बिल्कुल तैयार है। तो अब यहाँ पे हमारा जो ये रोस्ट किया हुआ बादाम है उसे हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। बादाम डालने के बाद हमें इसे कुक नहीं करना है, गैस के फ्लेम को आप ऑफ कर दें और अच्छे से इसे मिला लें, क्योंकि हमारी चाशनी पूरी तरीके से तैयार है। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे चॉपिंग बोर्ड पे निकालेंगे। सबसे पहले हम चॉपिंग बोर्ड पे रिफाइन ऑयल या फिर घी से ग्रीज कर देंगे, लेकिन ठंड का मौसम है तो आप तेल से ही ग्रीज करें, क्योंकि घी भी जम जाता है। तो रिफाइन ऑयल अच्छे से चारों तरफ ग्रीज करने के बाद हम इस पे अब चिक्की का जो ये मिश्रण है वो रखेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है वैसे वैसे ये जमने लगा है। मैंने यहाँ पे सारे मिक्सचर को रख दिया और हल्का हल्का इसे फैला ले। अगर ये हाथ से छूने में गर्म लग रहा है तो आप इसे चम्मच या फिर स्पैचुला की मदद से इसे फैलाएं। आप जितना पतला इसे करना चाहते हैं कर सकते हैं, या फिर इसे थिक भी रख सकते हैं। तो मैं इसे ज़्यादा पतला नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा थिक रख रही हूँ। मैंने यहाँ पर अच्छे से इसे फैला दिया है। अब हम चिक्की को पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, तब इसकी कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चिक्की हमारी ठंडी हो गई है। इसे ठंडा होने में 1/2 घंटा से 1 घंटा ज़रूर लगता है। जब ये ठंडी हो जाए तब हम इसे चाकू की सहायता से कट करेंगे। तो आप बड़े चाकू का ही यूज़ करें ताकि आपका हाथ ना कटे,
और थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे काटें, क्योंकि ये जम चुकी है तो कटने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। प्रेस करके ये आसानी से देखिए बीज से कितने अच्छे तरीके से कट चुका है। और अब मैं आपको उठा कर दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी तरीके से हमारा चिक्की बन के तैयार हुआ, एकदम मार्केट वाली चिक्की की तरह। और इसकी मोटाई भी ठीक है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। आप इसे मन चाहे शेप में काट सकते हैं, या तो स्क्वायर में कट करें, या तो फिर लंबे लंबे स्टिक्स में भी इसे काट सकते हैं, या फिर ऐसे ही तोड़ के भी खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे स्क्वायर में कट कर दिया है। तो इस मकर संक्रांति अगर आप बचपन की यादों को ताज़ा करना चाहते हैं तो इस बादाम चिक्की को ज़रूर बनाकर ट्राई करें, बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।